साइकिल है, अंडरलोड गाड़ी है। ले आगे नीचे ले माना करते चल, करते चल, करते करते वीडियो वीडियो बना के रखूंगा। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। बड़े आराम से आए, गाड़ी रोकी, फोटो खींची और चले गए, फिर दिया झटका। जी हां दोस्तों, ये घटना जयपुर रिंग रोड की बताई जा रही है। यहां पर ड्राइवर की गाड़ी के आगे जीप पर आरटीओ कर्मी आता है, बड़े आराम से आता है, गाड़ी रुकवाता है और उतर कर फिर गाड़ी के पास आता है ड्राइवर की। उसके बाद ड्राइवर से कुछ बातचीत करता है, बातचीत बिगड़ जाती है। ड्राइवर को फिर नीचे उतरने को कहता है। जी हाँ, पहले लाइसेंस मांगा जाता है, फिर उसके बाद ड्राइवर को कहा जाता है कि नीचे उतरो, और जब ड्राइवर नीचे उतरता है तो उसके बाद ना जाने क्या बातचीत होती है, या यूं कहे दोनों में बातचीत शायद बिगड़ जाती है। ड्राइवर फिर बैठ जाता है अपने ट्रक में वापस आकर, फिर कहता है जो करना है कर लो, और अपने साथी को कहता है कि वीडियो बनाते रहो। आखिर ऐसा क्या होता है यहाँ, ये भी बताएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन देखिए पहले ये वीडियो कि यहाँ पर हुआ क्या है ड्राइवर के साथ। साइकिल है, अंडरलोड गाड़ी है, जब मैं खड़े थे आपको यहाँ ना रही खड़ी गाड़ी पे है? आगे नीचे ले बताओ। आज मैं देखूं कैसा चालान हूं तो है। बना वीडियो कर दे चालान, कर दे चल, कर दे कर दे चल, वीडियो बना के रखूंगा, वीडियो बनाओ, कर दो चालान, कर दिया कर दो चालान। तू बना के रखो वीडियो, वीडियो बना के रखो। भाग गया। वीडियो आपने देख ली, लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हादसे के बाद अगर चाहिए वकील, करवानी हो बेल या सुपरदारी में चाहिए मदद, तो ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए लीगल एड इंश्योरेंस पॉलिसी। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831 पर, शर्तें लागू। वीडियो तो आपने ध्यान से देख ही ली होगी और उसका पूरा ब्योरा भी हम आपको स्टार्टिंग में दे ही चुके हैं कि यहाँ हुआ क्या। लेकिन वीडियो में देखकर आपको ज्यादा समझ में आया होगा, ड्राइवर के तेवर भी आपको समझ में आए होंगे, जो आरटीओ के सामने नहीं झुका। आरटीओ उतरा, ड्राइवर से लाइसेंस मांगा, ड्राइवर ने कहा लाइसेंस नहीं दूंगा। इसकी एक बड़ी वजह है, हालांकि लाइसेंस मांगा गया है तो दिखाना बनता है, लेकिन बड़ी वजह जो ड्राइवर हमें बताते हैं वो ये कि लाइसेंस अगर एक बार दे दिया तो समझ लो अपनी जिंदगी दे दी, या यूं कहे कि अपने चंद घंटे दे दिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद इन्हें काफी परेशान किया जाता है। ड्राइवर के आरोप है कि एंट्री मांगी जाती है, और ऐसा ना करने पर या लाइसेंस ना मिलने पर आरटीओ को वो क्या करता है, वो भी इस ही वीडियो में दिख रहा है। गाड़ी के आगे जाकर फोटो खींचना शुरू कर देता है, और उसके बाद क्या होता है लगभग ड्राइवर जानते हैं, और यहाँ भी लगभग वैसा ही कुछ हुआ। जी हाँ, ड्राइवर को तगड़ा झटका दिया गया, चालान कर दिया गया। ड्राइवर के आरोप है कि रिश्वत ना देने पर ऑनलाइन चालान किया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर चालान पेमेंट की स्लिप यहां पर दिखाई दे रही है। राजस्थान झालना डूंगरी जयपुर लोकेशन बता रहा है, 25 अगस्त को चालान किया गया ये बता रहा है, और इसमें चालान करने की वजह क्या क्या है वो देखिए। पहले वीडियो आपने देख ली, अब इन वजहों को देखिए। नंबर एक, विदहोल्डिंग इंफॉर्मेशन और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई जानकारी छुपा ली गई और कोई झूठी इंफॉर्मेशन दे दी गई, ये एक वजह है। दूसरी वजह, ड्राइविंग विदाउट हैविंग वैलिड इफेक्टिव लाइसेंस, हालांकि यहां पर ये जरूर है कि ड्राइवर से लाइसेंस मांगा गया तो उन्होंने नहीं दिया, जिसकी वजह से ये धारा उन्होंने यहां लगा दी या ये वजह लिख दी। अब तीसरी वजह सुनिए, डिसओबीडियंस ऑफ एनी डायरेक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनी फंक्शन बाय अ ड्राइवर, यानी कि वहां पर अवज्ञा हुई, यानी कि आज्ञा को नहीं माना गया, जो डायरेक्शन दी गई वो नहीं मानी गई, इस वजह से यहां पर चालान कर दिया गया है। चलिए नियम है, कुछ नहीं कह सकते हैं, नियम के हिसाब से अगर चालान किया जाता है, लाइसेंस मांगा गया है जो प्रोवाइड करना है, नहीं प्रोवाइड करने पर वो एक्शन ले सकते हैं।
लेकिन ड्राइवर के आरोप तो कुछ और ही हैं। दोस्तों नियमों की अगर बात करें तो पीछे नियम भी आए थे कि कहीं भी जब तक विजिबल वॉयलेंस ना हो तब तक गाड़ी को इस तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जहां तहां ऐसे ही गाड़ियों को रोक लिया जाता है। और क्यों? उसके आरोप ड्राइवर ने लगाए ही हैं कि रिश्वत ना देने पर ऑनलाइन चालान कर दिया गया, या रिश्वत ना दें या एंट्री ना दें तब इस तरह की कार्रवाई होती है। और लाइसेंस वो इसलिए भी नहीं देते कि उन्हें घंटों रोका जाता है, मजबूर कर दिया जाता है, इस तरह से मजबूर कर दिया जाता है कि वो एंट्री दें यानी कि पैसे दें और उसके बाद ही वहां से जा पाए। और हाँ, ई चालान एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन गया है कि जहां देखा फोटो खींच के ई चालान कर दिया जाता है, जबकि ड्राइवर लोग कहते हैं कि गाड़ी नंबर है, सब कुछ ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं, लेकिन वो नहीं किया जाता। बट हाँ, अपनी ईगो को शांत करने के लिए चालान कर दिया जाता है। और ये ई चालान इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि EIMTC को भी अब आगे आकर इसके लिए बातचीत करनी पड़ी है। काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है AIMTC के सदस्य बल मलकीत द्वारा। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर काफी देर से चर्चाएं चल रही हैं और SOP जारी करने के लिए भी सरकार से ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को कह दिया गया है। ये भी बताया गया कि सोमवार तक उन्हें कहा गया था कि SOP जारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक वो SOP जारी नहीं हुई। एक मुहिम जो ड्राइवरों ने ई चालान के खिलाफ छेड़ी है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जगत हिल गया है। ई चालान किसी भी बहाने से कर दिया जाता है, उसमें एक मुहिम जो चल रही है AIMTC, उसमें ड्राइवरों का साथ निभा रही है और हमेशा निभाएगी, ऐसा बताया गया। ई चालान के बारे में खास तौर आपको बताना चाहूंगा, इसका संज्ञान बहुत पहले लिया हुआ है, क्योंकि एक के बीमारी कैंसर के रूप में हमारे परिवहन उद्योग को प्रभावित कर रही है। हम 2 जनवरी 2024 में जब अजय भल्ला जी, जो मुख्य सचिव है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जब भारतीय न्याय सेवा जो ड्राइवरों की समस्या थी, जब हमारी मीटिंग हुई थी, वो तो मुद्दे पर चर्चा हुई थी। ई चालान के ऊपर भी हमने चर्चा की थी, तो उनका मानना था कि आज हम इसके ऊपर ही चर्चा करते हैं, 106(2) नियम के ऊपर, और आगे के लिए हम बाद में आपसे चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर हमारी मुलाकात 28 फरवरी को जो अनुराग जैन जी हैं मुख्य सचिव मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, उनसे हुई। वहां पर हमने ये मुद्दा रखा ई चालान के बारे में, उन्होंने उनका संज्ञान लिया। उसी दिन देर शाम हमारी मीटिंग अजय भल्ला जी गृह सचिव से हुई, वहां पर भी हमने ये मुद्दा रखा। तो उनको कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, आपकी तरफ से कोई एडवाइजरी होम मिनिस्ट्री की तरफ गवर्नमेंट इंडिया से जानी चाहिए सभी स्टेट्स को। तो उन्होंने कहा कि जो ऑफिशियली उन्होंने लेटर मार्क किया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे को, और उसके बाद में अप्रैल में जो मीटिंग हुई, जहां की जो चेयर की दिखे गए थे मोहम्मद अहमद, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से, ये मुद्दे को फिर हमने उनको बताया कि होम मिनिस्ट्री से भी आपको पत्र आया हुआ है, तो उसके बारे में जल्द से जल्द कार्रवाई करिए। और जो हमारी 8 अगस्त को जो मीटिंग हुई है, जिसकी कि मोहम्मद अहमद जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हमें बताया कि जो ई चालान के बारे में जो आपकी समस्या थी, हमने एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक बनाया हुआ है, तो हमारा ये मानना था कि उसमें कोई चीजें रह ना जाएं हमारे मुताबिक, तो वो ड्राफ्ट हम उसको अप्रूव करेंगे, हमारे ऑफिस उसको अप्रूव करेंगे, और वो ड्राफ्ट अप्रूवल स्टेज पे है, जो कि छुट्टियों कारण अभी तक नहीं हुआ, शायद मंडे या मंगलवार को ड्राफ्ट इशू हो जाएगा। और इसी के साथ में हमने उनको ये भी कहा है कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को नहीं बल्कि DGP और स्टेट्स को जाए, SP DSP को जाए। तो हमें उम्मीद है फिर उसके 13 तारीख को हमारी मीटिंग नित्यानंद राय जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनसे हुई, वहां पर भी ये मुद्दा हमने रखा। और हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते में कोई ना कोई इसके ऊपर SOP जारी की जाएगी, जो इसका गलत उपयोग जो फील्ड ऑफिसर कर रहे हैं उसको कोई ना कोई लगाम लगेगी। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए धन्यवाद।